Good morning students, my name is Ritesh Jetwani. In this video, we are going to learn email writing, which is very important for the students from grade 5 to 12. So let us start to learn email writing. So now let us see what is an email. Email hota kya hai? So read the answer. An email is a digital message sent by someone to one or more recipient. It is sent through the इंटरनेट. ईमेल एक डिजिटल मैसेज है जो एक पर्सन के द्वारा किसी एक या एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है, एज वी डू इन द सेम इन व्हाट्सएप. इट इज़ सेंड थ्रू द इंटरनेट. तो ये जो है ये भी इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है. ईमेल जो है नाउ इन दिस जनरेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन प्रीवियस वी यूज टू सेंड लेटर्स, बट अभी जो है अभी ज़्यादातर कॉरपोरेट फील्ड्स में ईमेल ज़्यादातर भेजा जाता है. नाउ second question, what are the types of email? So you might be knowing about the letter writing. There are the two types of letter, formal letter and informal letter. In the same way, email has also two types, formal email and informal email. Formal email or informal email mein there is very little difference. फॉर्मल ईमेल जो है किसी एल्डर या रिस्पेक्टेड पर्सन को भेजा जाता है, जिसमें वी हैव टू टेक केयर अबाउट दी वर्ड्स, जहाँ पे डिग्निटी बनाए रखनी होती है. और इनफॉर्मल जो होता है इट इज़ मोस्टली सेंड टू दी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. नाउ थर्ड, व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? तो यू माइट हैव लिसन्ड अबाउट google.com, hdfc.com, yahoo.com. सो जिनकी खुद की एक वेबसाइट होती है दैट कुड बी डोमेन नेम. जैसे कि अगर हम बताएं, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल का कैसा होता है कि द पर्सन हु क्रिएट्स ईमेल अकाउंट ऑन gmail.com और yahoo.com, किसी भी डोमेन का यूज़ करके वो अपना ईमेल वहाँ पे बनाता है. डोमेन नेम्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर आईपी एड्रेसेस. तो जैसे कि अगर हमने देखा कि दैट इज़ इंडिविजुअल, तो जीमेल पे बना सकता है, याहू पे बना सकता है. इफ़ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऑर्गेनाइजेशन दे हैव देयर ओन वेबसाइट्स, वेबसाइट होती है उनकी, तो दे हैव देयर ओन डोमेन नेम. तो उनका जो ईमेल आईडी जो होता है वो एट द रेट के बाद वही डोमेन नेम आता है. जैसे कि hdfc.com है तो एट द रेट hdfc.com आता है, एट द रेट gmail.com आता है इंडिविजुअल पर्सन होगा तो. ओके हाँ, एक और चीज़ हमें ध्यान देनी होती है कि जो ईमेल आईडी होती है वहाँ पे किसी भी तरीके का स्पेस नहीं छोड़ा जाता. ईमेल आईडी जो है वो कंटिन्यूस फ्रॉम फर्स्ट लेटर से लेके .com लास्ट लेटर तक कंटिन्यूस होना चाहिए. देर शुड नॉट बी एनी स्पेस. अगर हाँ, आप डॉट, सेमी कॉलन, इस तरीके के सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू शो यू द फॉर्मेट ऑफ ईमेल. सो दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ ईमेल. ये ईमेल का फॉर्मेट यू कैन सी. सबसे पहले जो है यहाँ पे टू लिखा हुआ है, फ्रॉम भी आता है, बट फ्रॉम जो है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है, वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है. बिकॉज आप लॉग इन करती हो तो फ्रॉम जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है. टू जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू में आपको क्या करना होता है, जिसको आप ईमेल भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी डालना होता है वहाँ पे. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सीसी एंड बीसीसी, सो दैट इज़ कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी. ब्लैक कार्बन कॉपी को ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी बोला जाता है. देन सब्जेक्ट की लाइन है, वहाँ पे सब्जेक्ट डाला जाता है. जो भी आप ईमेल लिख रहे हो सो उसका जो मेन टॉपिक होगा वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है. देन देर इज़ द विंडो फॉर दी ईमेल. सो दिस इज़ अ फॉर्मेट, दिस इज़ अ स्क्रीन. आपको भी क्या करना है, वेन एवर यू राइट एन इन ईमेल आपको इस तरीके का बॉक्स ड्रॉ करना है. आई एम गोइंग टू शो यू एट दी एंड कि कैसे लिखा जाता है ईमेल. सो ईमेल की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ ईमेल पहले देखते हैं. तो सबसे पहले आता है फ्रॉम, जो ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है. जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी ओपन करोगे, किसी को सेंड करोगे, तो आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन हो जाएगी. सेकंड, टू एंटर द रिसीवर्स ईमेल. तो जिसको भी आप ईमेल भेजना चाहते हो आपको उसकी ईमेल आईडी डालनी होती है. थर्ड, सीसी स्लैश बीसीसी, कार्बन कॉपी या ब्लाइंड या ब्लैक कार्बन कॉपी जो होती है, जिसमें आप एक या एक से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे ईमेल आईडी डाल के उनको भी ईमेल कर सकते हो. बट उसमें कंडीशंस होती हैं कि वो पर्सन सिर्फ रीड कर सकता है उसको. फोर्थ हम देखते हैं, दैट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में हमें क्या ध्यान देना है, सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. फॉर एन एग्जाम्पल, आस्किंग फॉर एडमिशन प्रोसेस, आस्किंग 10 डेज लीव्स, तो इतना ही छोटा होना चाहिए. इट कुड बी 4 to 5 words, उससे ज़्यादा नहीं. इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, आगे बढ़ते हैं बॉडी ऑफ ईमेल पे.
द बॉडी ऑफ ईमेल, जैसे कि हमने ये विंडो देखी थी, ये जो विंडो है पूरी जो ब्लैंक पूरी वाइट दी गई है उसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले कोई भी लेटर जो होता है या ईमेल जो होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेंडर इन डिटेल स्पेशली इन फॉर्मल ईमेल। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्पेशली अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हो, और स्पेशली अगर आप फॉर्मल ईमेल कर रहे हो, अगर सामने वाला आपको नहीं जानता तो आपको डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। सेकंड पैराग्राफ की अगर हम बात करें, मेन बॉडी ऑफ एन ईमेल सब्जेक्ट शुड बी मेंशन विथ ऑल डिटेल्स। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको मेन बॉडी कि आप जो ईमेल लिख रहे हो सो उसका एम है कि आप क्यों लिख रहे हो, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से डिटेल्ड में मेंशन करना है विथ ऑल दी डिटेल्स। थर्ड पैराग्राफ जो होता है दैट इज़ कंक्लूजन कि आप चाहते क्या हो। सो एम ऑफ राइटिंग एन ईमेल कि अगर आप छुट्टी मांगना चाहते हो तो थर्ड पैराग्राफ में लिखना है कि आप मुझे छुट्टी दे दोगे, ऐसा पूरा आप लिख सकते हैं। फिर अगर हम लास्ट बात करें तो स्क्रीन के एंड पे पहले प्रीवियसली वी यूज टू राइट योर्स फेथफुली ट्रस्टवर्थी, तो ऐसा पहले यूज़ होता था बट अभी नहीं होता। अभी सिर्फ रिगार्ड्स लिखा जाता है, रिगार्ड्स के नीचे साइन आती है, साइन के नीचे नाम लिखा जाता है, और अगर ये फॉर्मल ईमेल है, अगर आपकी कोई पोस्ट है तब ब्रैकेट में उसकी पोस्ट भी, अपनी पोस्ट भी मेंशन कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो ये एक ईमेल मैंने लिखा है टू शो यू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का बॉक्स बना देना है। यू कैन सी के टू फ्रॉम सी सी एंड सब्जेक्ट के वहाँ पे एक छोटी सी लाइंस बनी हुई हैं, पूरा ब्लॉक बना हुआ है। क्वेश्चन रीड करते हैं, राइट एन ईमेल टू योर बैंक इन्फॉर्मिंग अबाउट द चेक विच हैज़ बिन लॉस्ट बाय यू। तो ये जो ईमेल है, ये ईमेल किस बारे में है कि आपको एक ईमेल लिखना है, अपनी बैंक को लिखना है कि आपसे एक चेक गुम हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टू में हम क्या डालेंगे। तो उस बैंक की जो ईमेल आईडी है, वहाँ के मैनेजर की जो ईमेल आईडी वो डालनी पड़ेगी। तो ईमेल आईडी हम रीड करते हैं, मैनेजर _narura2020@sbi.com। फ्रॉम में अपनी आईडी डली हुई है rahul.bhatia30@gmail.com। CCBCC वी हैव नॉट मैंशन एनीथिंग, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है CCBCC में कुछ ऐड करने का। एंड सब्जेक्ट इट शुड बी एज आई टोल्ड यू, इट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट एंड सिंपल, इन्फॉर्मिंग अबाउट लॉस्ट चेक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सैल्यूटेशन देना है। तो सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर। सो दिस इज़ अ फॉर्मल ईमेल, ये फॉर्मल ईमेल है, हम बैंक को लिखने जा रहे हैं तो हमें कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखने के बाद कंपल्सरी देर मस्ट बी कॉमा, कॉमा होना चाहिए। सो हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है, ओनली इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, माय नेम इज़ राहुल भाटिया, आई हैव बीन अ कस्टमर ऑफ SBI नरोड़ा ब्रांच, माय अकाउंट नंबर इज 3048092310। तो यहाँ पे ये जो पर्सन जो ईमेल लिख रहा है राहुल भाटिया, उसने अपना नाम बताया, उसने बोला कि मैं आपकी नरोड़ा ब्रांच SBI का कस्टमर हूँ और मेरा अकाउंट नंबर जो है सो एंड सो है, उसने अपना अकाउंट नंबर भी दिखा दिया। तो जिससे ये जो मैनेजर है वो जब ये ईमेल पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा कस्टमर उन्होंने अपना अकाउंट नंबर भी मेंशन किया है। तो इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकंड हम देखते हैं कि मेन बॉडी जो होती है कि आप क्या चाहते हो, क्या लिख रहे हो। सो सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं, आई हैव रिटन दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई चेक विच आई लॉस्ट यस्टरडे इन मार्केट। चेक अमाउंट इज ₹1,50,000, चेक नंबर इज 123456। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में राहुल भाटिया जो है वो दिखा रहे हैं कि मैंने आपको ईमेल इसीलिए किया है ये इन्फॉर्म करने कि मेरा एक जो चेक था वो कल मार्केट में गुम हो गया, जिसमें अमाउंट लिखी हुई थी ₹1,50,000 और चेक नंबर था 123456। अब हमेशा ध्यान रखना, चेक नंबर जो होता है वो हमेशा 6 डिजिट का होता है, आप कोई भी 6 डिजिट का नंबर वहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैनेजर को एक और डिटेल मिल गई कि राहुल भाटिया करके कस्टमर है, उसका एक चेक गुम हो गया, उस चेक नंबर ये है और उसकी अमाउंट इतनी थी। एंड थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप क्या चाहते हो बैंक से, सो आई रिक्वेस्ट यू इफ द चेक कम्स टू योर ब्रांच फॉर क्लियरिंग काइंडली स्टॉप द पेमेंट एंड इन्फॉर्म मी एज सुन एज पॉसिबल। तो राहुल भाटिया एंड में लिखते हैं कि अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये चेक आपकी ब्रांच में आता है क्लियरिंग करने, कि हो सकता है किसी को मिल जाए, वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है बैंक में जाए वो चेक क्लियर करवाने, तो काइंडली स्टॉप द पेमेंट, पेमेंट मत करना और मुझे इन्फॉर्म करना जितना जल्दी हो सके। नाउ एट द एंड आप देख सकते हो रिगार्ड्स, फिर उन्होंने अपनी साइन की और नीचे अपना नाम लिखा हुआ है। इस पर्सन की अगर पोस्ट है तो वो पर्सन अपना नीचे ब्रैकेट बना के पोस्ट भी
लिख सकता है। सो इस तरीके का ईमेल लिखा जाता है। अगर आप इस तरीके का परफेक्ट ईमेल लिखते हो सो स्पेशल इन 10th स्टैंडर्ड ईमेल जो है वो 5 से 7 मार्क में पूछा जाता है। दैट शुड बी दिस मच कि ये 3 पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, ये एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेल। आई एम गोइंग टू सेंड यू सम ऑफ द मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईमेल्स वेरी सुन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।